इस तो पहला रजत अपने सवालां दी बशार करदा, इनायत पहला ही चाह पी के गल करन लई कह देंदी है। ओ चाह पी रही सी, नाल कुछ स्नैक्स भी लै लए सन, पर बाकी परिवार दे गलों पानी दी घुट भी नहीं लंघ रही सी। ओनू पता सी कि उसदे पापा ओनू वापस नौकरी ते दूजे शहर भेजण दी पूरी कोशिश करनगे। हो गया तेरा खाना पीना, ता साडे कुछ सवालां दे जवाब दे सकदी है, कदों दे पुछ रहे हां, पर तैनू कोई फर्क नहीं पै रहा, रजत चिलाया। आराम नाल गल कर लवो, जरूरी नहीं है हर वेले चिल्लम चिल्ली करके ही गल कीती जावे, शांति रखो, सुहानी ने कहा। तुहाडे सारे सवालां दे जवाब तुहानू मिलणगे, क्योंकि मैं जो भी फैसला लिया है वो बिलकुल भी गलत नहीं है, मैं बहुत सोचन समझन तो बाद ही वापस आई हां, इनायत ने कहा। अच्छा, की सोच के तू उन्हां घटिया लोकां नाल एक बार फिर तो काम करना चाहुंदी है? मैं कहा सी ना कि तू कदे वापस उस मुंडे नाल गल नहीं करेंगी, गल ता कीती, तू ता उन्हूं उत्थे बुला के उदे नाल वापस भी आ गई है, की मैं पूछ सकदा अजिहा क्यों? रजत नूं बहुत गुस्सा चढ़ रहा सी। पापा, मैं बहुत सोचिया ते पाया कि पिछले समें विच जो भी होया उदे विच मेरा ते अर्जुन दा कोई कसूर नहीं है, फिर असी इस दी सजा क्यों भुगतीए? दूजी गल, जो भी तुसी सारे कहानी सुना रहे हो उदे च किन्नी सच्चाई है किन्नी नहीं, ए भी कोई नहीं जानदा, क्योंकि जो होया उसदा कोई पक्का सबूत तो है नहीं, एवें बस सारे अपनी अपनी कहानी सुनाई जांदे आ, इनायत ने जवाब दिता। कहानी नहीं है, वो सच्चाई है, सच्चाई। तेरे चाचे नाल जो भी होया उन्हां लोकां ने झूठे इल्जाम लाए, उन्हां ने तेरे चाचू नूं गिरफ्तार तक करवा दिता सी, ओ ता सबूतां दे आधार ते इह बा इज्जत बरी हो गया, वरना उन्हां ने ता सब बर्बाद करके रख दिता सी, रजत गुस्से विच बोलिया। भाई साहब, तुसी छड्डो सब पुरानियां गल्लां नूं, इनायत सही कह रही है, जो कुछ पहला गुजर चुका है उहदे लई इन्हां बच्चियां दा भविख क्यों खराब करना है? कोई गल नहीं, तुसी इनायत नूं उत्थे नौकरी करन दिओ, कोई नहीं, सानू साडी बच्ची उत्ते विश्वास है, वंश ने गल नूं टालिया। नहीं चाचू, तुसी हर वार इस गल नूं बदल देंदे हो, एदा तां इह बहस कदे खत्म नहीं होनी, इह तां हर दूजे दिन दी लड़ाई बन जानी है, इस नूं खत्म करना जरूरी है। सो डैड, चलो मन लिया कि वह बंदे झूठे आ, गलत आ, ते उन्हां ने सब गलत कीता, पर पूरा सच की है? तुसी मैनूं पूरी गल दसोंगे, उदों की होया सी, अर्जुन दी भूआ नूं की होया सी, चाचू उन्हूं किवें जानदे सी, उन्हां दी मौत किवें होई, ते चाचू ते ही उन्हां दी मौत दा इल्जाम क्यों लगा? सब तो जरूरी गल, उन्हां दी मौत दा मेरे अते अर्जुन दे रिश्ते नाल की संबंध है? इनायत ने किन्ने सारे सवाल इकट्ठे कर दिते। अच्छा, हुण तू ए सब सच जानना है, इन्नी वड्डी हो गई है तू, तैनू की लगदा तेरे रिश्ते जां तेरे नाल संबंध होण तों बिना ही असी तेनू उस परिवार अते उस मुंडे नाल मिलन जुलन तों रोकदे रहिंदे हां? जे कोई संबंध है तां ही तेनू मना करदे हां, लेकिन नहीं, तेनू तां साडे ते यकीन ही नहीं, तू तां पूरी गल ते पूरी सच्चाई जाननी है। ठीक है, फिर जे तेरी यही जिद है ते तेनू लगदा है कि तू सारा सच सुनन दे लायक हो चुकी है, ता जरूर मैं तेनू पूरा सच दसांगा, रजत ने कहा। नहीं भाई साहिब, ओ ता बच्ची है, तुसी ता इस पूरी गल नू समझदे हो ना, जे असी उन्हूं हुणे पूरी गल दसनी हुंदी ता पहला अधूरी ही क्यों दसदे? वंश ने रोकिया। मेरा फैसला अटल है इनायत, तू अपने उस दोस्त अर्जुन नू भी बुला लवी, ओ भी तेरे नाल पूरा सच सुन लवेगा, फिर देखदा ओ तेरे नाल रिश्ता कित्थों तक निभाउंदा ए, रजत ने चैलेंज किया। जे पूरी गल सुनन तो बाद भी ओ मेरा ही साथ देंदा ए, तां कि तुसी साडे रिश्ते ते इतराज नहीं करोगे, सानू इकट्ठे रहन दोगे, अर्जुन दी कंपनी विच मैनू काम करन दोगे? इनायत ने पुछया। रजत बिना कुछ बोले अपने कमरे विच चला जांदा है। सुहानी इनायत नू कुछ समझाउण लगदी है ते वंश एक वार फिर तो
दुविधा विच फस जांदा है। इनायत दे मन ते एक पासे जिथे डर सी कि ओहदे पापा ओनू इन्ना ज्यादा क्यों महसूस हो रहा है कि पूरी गल सुनन तो बाद अर्जुन उसकी जिंदगी विचों चला जाएगा, तो दूजे पासे ओनू पूरा सच जानन दी बहुत ज्यादा उत्सुकता भी सी। इसे डर अते उत्सुकता करके ओनू पूरी रात नींद भी नहीं आई। सवेरे अलार्म वजदे ही ओ उठ खलोती अते जल्दी नाल अर्जुन नू फोन मिलाया। नहा धो के ओ नीचे आ गई अते पापा नू अर्जुन दे आउण बारे दस्या। उसकी मम्मी ने ओनू नाश्ता करन लई कहा, पर ओनू अज रता जिन्नी भी भुख नहीं लगी सी। बाकी सब ने लोड़ मुताबिक नाश्ता कर लिया अते ड्राइंग रूम विच जिथे इनायत पहला ही मौजूद सी आ गए। हुण सब नू सिर्फ अर्जुन दा ही इंतजार सी। कुछ समय बाद ओ भी उत्थे पहुंच गया सी। सुहानी अते वंश ने एक बार फिर तो रजत नू सारी गलबात बच्चियां सामने रखन तो मना कीता, पर शायद ओ समझ चुका सी कि इनायत दे सच जानन दा वक्त आ चुका है। बेटे अर्जुन, की तुसी राधिका जी जानी तुहाडी भूआ अते वंश दा पूरा सच जानन लई तैयार हो? की तुसी साडे ते यकीन कर पाओगे? रजत ने पुछया। यकीन करके ही अज इत्थे आया अंकल, अगर यकीन ना हुंदा तां मेरे इत्थे आउण दा तां कोई मतलब ही नहीं सी। तुसी कुछ भी लकोयो ना प्लीज, अर्जुन ने बड़े अदब नाल कहा। राधिका, ए राधिका अर्जुन दे भूआ जी हन, मतलब इस तो पहला जो वार वार नाम मेरे सामने आ रहा सी ओ भूआ जी दा सी। मैनू तां लगदा सी मैं राधिका नाम दे किसी भी इंसान नू नहीं जानदी आ, मतलब मेरा उन्हां नाल रिश्ता है। प्लीज कोई पूरी गल दसन दी खेचल करेगा? इनायत ने हैरानी नाल पुरानियां घटनावां याद करदे होए पुछया। दसन दी खेचल ही करन लगे हां, लेकिन उस तो पहला तू दस के तू राधिका नाम किथे सुनिया ते किथे एह नाम वार वार तेरे सामने आ रहा सी? रजत ने बहुत ज्यादा हैरान होके कहा। इस तो बाद इनायत सारियां ओ घटनावां दा जिक्र सारियां सामने करदी है जो अज तक ओहदे नाल होईयां सन। घूमन जान तो लैके अर्जुन दे जन्म दिन तक ते रास्ते विच आउंदे जांदे जो कुछ भी होया सी ओ सारा कुछ ओहने खुल के दस्या। रजत अते सुहानी ओहदियां गल्लां सुन के पुछके रह गए। ओहना नू तां लगदा सी के सारा कुछ ठीक चल रहा है, पर राधिका तां अर्जुन दे नाल ही इनायत दी जिंदगी विच आ चुकी सी जो ओहना लई बहुत ही ज्यादा चिंता दा विशा सी। तैनू साडे ते तां बहुत रोसा है बेटे कि असी तैनू पूरियां गल्लां पुराने राज जां फिर पूरा सच नहीं दसदे, लेकिन की तू अपने मापियां नू सारियां गल्लां दसदी है? तू साडे तो इन्नी वड्डी गल लुका के रखी, ठीक है असी भी लुकाया, पर की तू जो नहीं दसिया ओ सही सी? सुहानी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मेरे कुछ भी लुकाउण पिछे मेरा मकसद तुहानू चिंता तो बचाउणा सी, क्योंकि तुसी दोनों ही मेरी बहुत फिकर करदे हो। इस लई मैं सारी गल वंश चाचू नू दस दित्ती सी। मैं उन्हां उपर विश्वास किया, पर अफसोस उन्हां नू इन्ना को विश्वास भी नहीं सी कि उन्हां ने मैनू शो तक नहीं होण दित्ता कि ओह राधिका जी नू जानदे हन। इनायत नू वंश ते गुस्सा आ रहा सी। जो भी होया, किसने की लुकोया की नहीं दस्या, ए सब दा हुण कोई मतलब नहीं है। जो समा लंघ चुका है उस नू छड्डो। हुण आपां अज दी गल करदे हां। अज असी इत्थे जिस गल नू करन लई इकट्ठे होए हां ओ कर लैने हां, अर्जुन ने सारिआं नू संबोधन हो के कहा। हां वंश, सारी गल शुरू तो लैके अखीर तक दसो, किसे गल नू लुकाउण दी लोड़ नहीं है। रजत ने कहा। मैं दसदा भाई साहिब, पर मैं किवें? वंश ने हकलाउंदे होए कहा। राधिका नू तू ही साडे तो पहला मिलिया सी, तू ही ज्यादा जानदा सी, तैनू ही ओहदे बारे ज्यादा पता होवेगा ना, इस लई तू ही दस सकदा है कि तुसी किवें मिले अते की कुछ होया सी? रजत ने कहा। हांजी ठीक है, मैं सब दसदा हां, पर पूरी गल सुनने बिना कोई कुछ भी नहीं रिएक्ट ना करियो, वंश ने बेनती कीती। सारे कुर्सियां बेड ते इधर उधर गल नू सुनन लई बैठ जांदे हन। राधिका बारे सोचदे ही वंश उस समय विच वापस चला जांदा है जद ओह राधिका नू पहली वार मिलिया सी 25 साल पहला। वंश मेडिकल स्टोर, वंश ने हुणे हुणे
फार्मेसी कीती सी अते कैरियर बारे सोचन दी तां ज्यादा जरूरत ही नहीं सी क्योंकि ओ बहुत पहला तो ही जानदा सी कि उन्हें अपना मेडिकल स्टोर ही करना है। रजत भाई साहब दी मदद नाल बहुत जल्दी ओ अपना ए सुपना भी पूरा कर लेंदा है ते आज मेडिकल स्टोर दी मुहूर्त तो तुरंत बाद ओ उन्हें काम शुरू कर दिता सी। पहले ही दिन ओदे स्टोर ते बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे सन क्योंकि उन्हें रेट बाकियां नालों थोड़े घट रखे हुए सन। अजे दवाइयां चंगी तरह बक्सियां विच्चों आपो अपनी जगह भी नहीं रखियां सन क्योंकि सवेर तो ही ओनू ग्राहकां ने उलझा रखिया सी। फिर भी जद ओनू समा मिलदा ओ दुकान दी सेटिंग कर रहा सी। वंश अपने हाणी मुंडिया नालों किते ज्यादा सुनखा हट्टा कट्टा सी जिस करके कहंदियां कहौंदियां चोटी दियां मुटियारां दी अख मल्लो मल्ली ओदे ते आ ठहरदी सी। लेकिन वंश नू जिस दी तलाश सी ओ ता कोई परियां दी राणी ही हो सकदी सी। अज तक ओदी अख नू कोई कुड़ी चंगी नहीं लगी सी क्योंकि ओ ओदे सुपनियां दी राणी दे मेच दियां ही नहीं सन। वंश ने बड़ी लगन नाल अपना काम शुरू कर दिता सी। हर दिन ओ सवेरे जल्दी उठदे सार नहा धो के मेडिकल चला जांदा। मेडिकल लई जगह बहुत ही वधिया मिली सी। सामने सरकारी अते प्राइवेट दोनों हस्पताल सन जिस करके उसका काम चंगा चलदा निकलिया सी। रेट भी बाकियां नालों सस्ते सन जिस करके हर कोई दवाई लैण लई ओदी दुकान वल हो तुरदा सी। पहलों पहल वंश खुद जाके दवाइयां लियांदा सी पर फिर हौली हौली काफी एजेंटा नाल ओदे चंगे संबंध बन गए जिस करके ओ खुद मेडिकल ते आउंदे जरूरत दी दवाई लिखदे अते अपने आप ही भेज दिंदे सन। सिलसिला इसे तरह जारी रहा। इत्थे आउण वालियां किन्नियां ही नर्सां अते डाक्टरनियां ने ओनू अपना बनाउण दी कोशिश कीती लेकिन वंश दी निगाह किसे दे ते ना रुकी। कहंदे ने जोड़ियां रब उपरों बना के भेजदा है ओदे लई भी इक परी रब ने आखर भेज ही दित्ती। प्रीति नाम दी ए डॉक्टर हुणे इस हस्पताल विच नवी नवी नौकरी जॉइन करके आई सी। पहली नजरे ही ओह वंश नू लुट पुट के लै गई। परियां वर्गी इस कुड़ी दे हुसन नू शब्दां विच बयान करना किसे दे भी वस दी गल नहीं है। कलम दा सारा जोर ला के भी उस नू लिखिया नहीं जा सकदा ए। कमाल दी गल तां ए होई के वंश नू देखदियां ओह भी उस दी हो गई सी। इस लई ओनू कोई बहुती मेहनत प्रीति नू मनाउण लई ना करनी पई। वंश दी तरह ही ओने भी पहली बार किसे मुंडे नू प्यार कीता सी। जिन्ना भी कीता सी बस दिल तो कीता सी। प्रीति मैं तेरे तो पहला कदे किसे कुड़ी वाल अख चक के नहीं देखिया ए। तू मेरा पहला ते आखरी प्यार है। बस कदे मेरे तो दूर ना जाई। मैं अपनी जिंदगी दा हर पल तेरे नाल गुजारना चाहुंदा हां। की तू हमेशा हमेशा लई मेरी बनेगी? वंश ने अदब अते प्यार नाल झुक के पुछया। जिस दिन तुहानू पहली बार देखिया सी मैं ता उस दिन तुहाड़ी हो गई सी जनाब। हुण ता जन्मा जन्मा लई तुहाड़ी ही हां। प्रीति ने वंश नू उठा के गल लगाउंदे होए कहा। अच्छा फिर विआह दी गल कर लईए। दस किद्दां भाई साहब अते भाभी जी नू तेरे घर भेजां? जल्दी जल्दी विआह कर लईए। वंश ने खुशी च टपदे होए कहा। इन्नी कादी काली है जी, थोड़ा ता इंतजार करो। अजे मैनू तुहाडे बारे चंगी तरह जान ता लैण दिओ। प्रीति ने ओनू टोकिया। अच्छा जी, तुसी अजे मैनू चंगी तरह जानदे नहीं? ठीक है जी, फिर पहला जान लवो, आपां फिर विआह बारे सोच लवांगे। वंश ने थोड़ा गुस्सा दिखाउंदे होए कहा। हाय मेरी जान, गुस्से हो गए? मैं ता एवें मजाक कर रही सी। देखो ता किवें मिंटां विच मुंह फुला लिया। प्रीति ने वंश नू प्यार नाल झिड़किया। प्रीति नू चिंता च देख के वंश उच्ची देने हस पैंदा है ते कहिंदा है कि ओह वी मजाक ही कर रहा सी। दोनों मिल के कॉफी पींदे हन ते गल्लां बातां करदे करदे किन्ने वार विआह दे सुपने देखदे हन ते उहनां नू अपने मुताबिक रंग भर के सजाउंदे हन। दोनां ने तय कीता सी कि कोई चंगा जिहा मौका देख के जल्दी ही ओह रजत भाई साहब नाल गल करके उहनां दी सलाह मुताबिक प्रीति दे मापिआं नाल गल करनगे। प्रीति नू हमेशा अपने भरावां दा डर सताउंदा सी कि ओह किवें उहनां नू मनावेगी क्योंकि उसदे भरा इश्क मुहब्बत दे बहुत ज्यादा खिलाफ सन।
ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਤ ਅਤੇ ਸੁਹਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਵੰਸ਼ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਹਾਨੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਏ ਭਾਬੀ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਵੰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਦੇਵਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਹਾਨੀ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਵੰਸ਼ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਏ, ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ ਝੱਗਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ। ਰਜਤ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਰਜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਵਾਹ ਭਾਬੀ ਵਾਹ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਵੰਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਜਤ ਅਤੇ ਸੁਹਾਨੀ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਏ ਉਹ, ਕੀ ਵਿਚੋਲਾ। ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਰਜਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਲੈ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਜਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਜਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਸੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਨੇ ਮੇਰੀਏ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਿਆਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਨਮਕ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੁ ਪੱਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਸੋਹਣੀਏ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀਲ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬੋਲ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਭੇਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰਭੇਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਹੀ ਜੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ ਗੁਰਭੇਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਹਲੇ ਖੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੰਝੂ ਤਰਲ ਤਰਲ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਬਕੀ ਹੁਬਕੀ ਰੋਈ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਭੇਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ
भर दे रहे। लो जी मेनू लगदा प्रीति दा रिश्ता इत्थे पक्का हो ही जाना है। जे हो जावे तां वाली वधिया गल हो जे, क्योंकि परिवार बड़ा ही चंगा है। क्यों गुरभेज भाई साहब तुहानू बंदे किवें लगे? प्रीति दे प्यो नाहर सिंह ने कहा, बंदे तां ठीक लगे पर इह रिश्ता भला करवा कौन रहा है? मेरा मतलब धी ध्याणी दा कम है, लोभड़ा तो रिश्ते लैण दा हुण फायदा कोई नहीं। गुरभेज ने पुछया, रिश्ता ता बाई जो बंदा करा रहा ओ दूर दी रिश्तेदारी चोआ, पर मुंडे अते परिवार दी पूरी गारंटी लैंदा। बाकी असी घर बार पहला ही लंघ दे टप दे एक दिन देख आए सी ते सानू सब कुछ ठीक लगा। तुसी दसो दुख नाल मिलन आए सी जा कोई गल बात है? नाहर सिंह ने कहा, यार आए तां असी वी धी राणी लई रिश्ता लै के ही सी। मुंडा वी वेख्या भालिया बड़ा सोहना ते सियाणा है, पर तुसी तां पहला ही सब करी बैठे हो, गुरभेज ने दस्या। ओ अच्छा भाई यार, तुसी पहला क्यों ना दस्या सानू? एक बार सवेरे ही फोन कर लैंदे तां इन्हां नूं ना बुलाउंदे आपां। हुण सोरी दी मैं जुबान दे बैठा, गल बात कर ली आ। नार सिंह ने थोड़ा उदास जिहा हो के कहा, यार मुंडा तां काफी टाइम तो अपने परिवार नाल जुड़िया है, लेकिन कल जद ओहदे परिवार ने रिश्ते लई किसे चंगी कुड़ी दी गल करी तां प्रीति दा ख्याल आया, क्योंकि मुंडा बहुत नेक है। एहो जिहा मुंडा रोज नहीं मिलदा, कर्मा नाल इन्ने चंगे सियाणे अते काम करन वाले मुंडे मिलदे, फिर परिवार दा कोई मुल नहीं। प्रीति साडी ने उत्थे राज करना है। गुरभेज ने पूरा जोर ला के वंश दी तारीफ कीती। फिर ता यार थोड़े जे पिछे काली कर गए, जे बिंद पहला भी आ जाते ता फिर कानू मैं उन्हां नू जबान फड़ाउणी सी। हुण ता परमात्मा दे हाथ है, अजे ता मुंडे तो उन्हां ने पुछना है, आपां भी कुड़ी नू पुछना है। जिथे रब ने इहदा दाणा पाणी लिखिया होया उत्थे धी ने चले जाना। पर यार उंज तेरे लियांदे रिश्ते ते ज्यादा भरोसा कर सकदे सी। नार सिंह नू भी अपनी काली ते अफसोस जिहा होया। खैर हुण तां की कीता जा सकदा सी सिवाए परमात्मा अगे दुआ करन दे कि ओह प्रीति नू सही घर विच लै के जावे। प्रीति सारी गलबात सुनन तों बाद तुरंत अपने घर बने बाबा जी दी जगह जानी गुरु नानक देव जी दी फोटो अते जोत वाली जगह ते जाके बाबे मोहरे नक रगड़न लगी कि ओह ओहदा रिश्ता वंश नाल ही जोड़न। गुरभेज अते सुरिंदर दोनों वंश दीआं होर भी बहुत सारीआं गल्लां प्रीति दे घरदिआं नूं दसदे हन। ओहदे काम जानी मैडिकल बारे सुण के तां नार सिंह नूं सच्ची लगन लगदा है कि इही मुंडा ओहदी धी लई सही सी। वंश अते उसदा परिवार भी प्रीति दे रिश्ते दी गल सुण के निराश हो जांदे हन। रब तो बिना शायद हुण कोई भी कुछ नहीं कर सकदा सी। शाम तक गुरभेज अते उसदी घरवाली भी निराश जिहे हो के घर आ जांदे हन। वंश अते प्रीति अद्धी रात तक फिकरां करदे आखिर तक थक हार के सौ जांदे हन। सौण तों पहलां दोनां ने ही हथ जोड़ के रब अगे ढेर सारियां दुआवां अपने रिश्ते लई करियां सन। अगले दिन मुंडे अते उस दियां भैणां ते मां ने प्रीति नूं देखण आउणा सी। सुबह 11 बजे गुरुद्वारे मिलन दा मिथ्या गया टाइम। प्रीति नूं समझ नहीं आ रही सी कि ओह की करे, क्योंकि ओह नहीं चाहुंदी सी कि वंश दे बिना कोई होर ओहनूं देखे, पर अपने पापा दे डरों कुछ कहण जोगी भी नहीं सी। वंश भी बहुत उदास सी, लेकिन फिर भी ओहनूं बड़े प्यार नाल समझाउंदा है कि चाहे कोई भी ओहनूं देखदा रहे ओह हमेशा वंश दी ही रहेगी। जिस तरह चन्न दी चाननी सिर्फ चन्न दी है, इसे तरह प्रीति भी सिर्फ उसदी है। गल्लां करदे करदे दोनों रो पैंदे हन। अज उहनां दी किस्मत दा फैसला होना सी। अज उहनां ने जां तां हमेशा लई विछड़ जाना सी ते जां फिर इक हो जाना सी। प्यार विच अजिहा इम्तिहान देना हर किसे दे वस दी गल नहीं। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੱਜ ਧੱਜ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਜਾਨ ਲੋਥ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਯੇ ਧੀਏ,
मुंडे वाले आउण वाले ही होणगे। विचोला कहिंदा सी सही समय ते पहुंच जावांगे। नार सिंह ने आवाज दे के कहा, बस ताया जी, भैन ता तकरीबन तैयार ही है, तुसी देखो तुहाडे रिश्तेदार कद आउंदे आ। कुड़ी ने अंदरों जवाब दिता। नार सिंह नूं जिन्ना चा इस रिश्ते बारे विचोले तो सुनन तो पहला सी, ओह रौनक हुण उहदे चेहरे ते नहीं रही सी। एक अणपछाती जिही चुप्पी अते उदासी ने सारे टब्बर नूं घेरिया होया सी। अचानक विचोले दी आवाज नार सिंह दी बिरती नूं तोड़ दिंदी है। लगदा आ गए, आवाज तां विचोले दी आ। ओ आ गया भाई, आ गया, आजो आजो लंघ आवो, नार सिंह ने अंदरों ही आवाज दिती। ओ भाई नाहर, एक जरूरी गल तेरे नाल करनी सी, आजा अंदर ही आजा, दसदा तैनूं, विचोले ने बरांडे वल नूं हुंदे होए कहा। की गल होगी भाई, सब खैर सुख ता है, तू कल्ला ही आ गया, मुंडे वाले किथे आ, ओ क्यों नहीं आए? अच्छा तू पहला ही उन्हां नूं गुरु घर छड्ड आया ते हुण सानूं बुलाउण आया है। नार सिंह ने अपने सवाल करके आपे जवाब दिता। ओ कानू यार, कानू गुरु घर छड्ड के आया यार, होर ही पंगा हो गया, पर तू मेरा वीर गर्म ना होई ते घबराई ना, अपनी कुड़ी नू कोई रिश्तियां दा घाटा नहीं, मैं एदू भी चंगा ते वधिया मुंडा लभ लऊं, विचोले ने जकदे होए कहा। ना भाई, की कही जाने हो, की गल होगी, होर मुंडा का तो लभना है, ते ए मुंडे नू की हो गया? नार सिंह दे गल समझ नहीं आ रही सी। ओ यार, मुंडे दा सोरी दे दा किसे होर जात दी कुड़ी नाल चक्कर सी, घर दे मानदे नहीं सी ते जबरदस्ती अपने आला रिश्ता करन नू फिरदे सी। ओ भैण दा वी रात कुड़ी नू लै के घरों भज गया, हुण पता लगा वी मुंडा ता है ही नी ते ओ कुड़ी वी घरों गायब है। विचोले ने अजीब जिहा मूंह बणाउंदे होए कहा, है मुंडा घरों भज गया ते होर कुड़ी नाल चक्कर सी, ना जे एहो जी कोई गल सी ता साडी कुड़ी नाल क्यों धोखा करन नू फिरदे सी, ए ता भाई बहुत गलत गल है, आपदे मुंडे नू पहला ही पुछ लैंदे, हुण सारे आंढ गवांढ नू पता है कि अज प्रीति नू देखण वालियां ने आउणा, सारा असी प्रबंध करी बैठे आ, ना साडी पिंड च की रह जू, लोकां ने ता साडी धी च ही नुक्स कढणे आ, एह ता भरावा काम गलत हो गया, असी आपदी इज्जत किवें बचाईए हुण? नार सिंह ने दिलों खुश ते उपरों उपरों दुखी हुंदे होए कहा, माफ करी भाई, इस वक्त ता मेरे कोल कोई हल नहीं, पर मैं कुड़ी लई वधिया मुंडा जरूर लभ के देऊंगा, विचोले ने हाथ जोड़ के माफी मंगदे होए कहा। चल कोई नहीं भाई, जो किस्मत च लिखिया ओ ही होके रहिंदा ए, नार सिंह ने कहा। विचोले नूं इस रिश्ते दे ना होण दा बहुत पछतावा सी, ओह नार तों माफी मंग के अपने घर नूं चला जांदा ए। नार घरे इह गल दसण तों पहलां जल्दी नाल किसे नूं फोन मिलाउंदा ए। मुंडे वालियां दे ना आउण दा दुख खबर सुण प्रीति टप उठदी है, पर बाकी टब्बर बेइज्जती होण दे डरों उदास जिहा हो जांदा ए। पर नार इन्ना शांत क्यों सी ते किस नूं फोन मिला रहा सी, ए उन्हां विच्चों किसे नूं वी समझ नहीं आ रहा सी। सारा टब्बर बुझिया बुझिया जिहा बैठा सी, उन्हां नूं समझ नहीं आ रही सी कि अग्गे की कीता जावे। प्रीति फोन करके वंश नूं दस दिंदी है कि ओह मुंडे वाले रिश्ते नूं जवाब दे गए हन, क्योंकि मुंडा किसे होर कुड़ी नाल घरों भज गया सी। इस गल तों वंश बहुत ज्यादा खुश हुंदा है, दोहां प्रेमियां दी रब ने सुन लई सी। तुसी ऐ किवें चुप करके बैठे हो भला, एक किन्नी बेइज्जती होऊ साडी, जदों लोकां नूं पता लगू वी इन्हां दी कुड़ी नूं मुंडा देखण वी नहीं आया, कोई की गल बनाऊ, कोई कुछ कहू, अद्धा पिंड तां साडी कुड़ी दीआं ही गल्लां बनाऊ। प्रीति दी मां ने नार सिंह नूं झंझोड़िया, ओए तू क्यों टेंशन लेनी है, मैं सारा कुछ सोची बैठा, फिकर ना करो ते तैयारी करो, कोई बेइज्जती नहीं हुंदी, कुछ नहीं हुंदा, मुंडे वाले आउंदे आ, नार सिंह ने उत्तर दिता। नार सिंह ते उसदे मुंडिया दा घर विच बहुत ज्यादा दबदबा सी, सारा टब्बर उन्हां दी एक घूरी तों थर थर कंबदा सी, इस लई कोई भी सवाल नहीं करदा, बस चुप चाप सारे तैयारी करन लग पैंदे हन। प्रीति दा एक वार कलेजा मूंह नूं आ जांदा ए, अज तां रब ओहनूं अपने आप ते अपने प्यार दा वैरी ही लग रिहा सी। उदास जे मन नाल ओह तैयार होण लगदी है। अरशां दी परी अज बुझी जई सी, वंश दा गिफ्ट कीता सूट जो ओहने ओहदे देखण आउण ते
पौन दी सोची सी ओदी भैन ने तके नाल अज ओही पवा दिता सी। फिक्के अते गूढ़े रंग दे सुमेल नाल बने इस सूट च ओ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही सी। बस चेहरे दी खोई मुस्कान सब नू साफ नजर आ रही सी। एक अनजान जे घर दा सीन, चल भाई होवो सारे टब्बर तैयार, जल्दी करो, करिए थोड़े मुंडे दा रिश्ता पक्का अज। चल भाई मुंडिया जच के जे, पर जल्दी तैयार हो जा। है तैयार होना, किथे जाना हुण, की हो गया, सानू गल दी समझ नहीं लगी, अजे क्यों जाना, इन्नी काहदी काली है, आपां कल जां परसों रमान नाल चलांगे। ओ नहीं यार, तुसी तैयार होवो, बस बुढ़िया नूं वी कह दिओ परियां वर्गी कुड़ी है, अज पक्का शगन करके ही मुड़ांगे, तां करके बुढ़िया दी तां लोड़ पऊगी पक्का शगन। पर यार एक दो रिश्तेदार भी सदने सी। ओ यार आपदे घरे शगन दी पार्टी कर दिओ, पर वार कुछ नहीं, इज्जत दा सवाल है, तुसी बस मिंटो मिंटी तैयार हो जाओ, वाला टाइम है नहीं, अगले दे घरों आंढ गवांढ आजो, तुसी ओह आपदे एक दो रिश्तेदार नेड़े वाले सद लो, ओथे पहुंच जाणगे। ठीक आ कह के सारा परिवार आपो अपना समान चक तैयार होण लग पए। मुंडा तां कुछ ज्यादा ही हत्थां पैरां विच आया होया सी, घंटे को मगरों सारे ही तैयार सन, अते एक दो करदियां ने 8-10 रिश्तेदार वी सद खड़ाए सन। ओ विचोलिया सी, बंदे तां नहीं ज्यादा हो गए किते, अगाह अगलिया ने प्रबंध ना कीता होवे, असी एवें 15 जाने जा वड़िए। ओए जट्टां दे घर चले हो तुसी, निक्के जे प्रोग्राम ते जट्टू बंदा 50-20 बंदियां दा प्रबंध करके रखदा है, तुसी बस गड्डियां च बैठो, सारा प्रबंध है, रज के मुड़ियो। शुक्र आ दो चंगे सूट ते मेकअप दा समान मैं परसों शहर गई लै आई सी, नहीं तुसी ता करता सी ओही काम, हुण आ बाजार च गड्डी रोक लियो, मैं चुन्नी अते शगन करन लई भोरा समान लै लवां। आहो मैं भी मठियाई लै लवां, भगवान ने ए ता जरूरी है, ओ जल्दी लवो, जो भी लटरम पटरम चकना है उधरों जांदे होए विचोलन नूं भी घरों चकना है। जेड़ी तैयार होई जांदी है, विचोले ने हसदे होए कहा। इस कहानी दा अगला भाग तुहाडे लई जल्द ही पेश कीता जावेगा, कृपा करके साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो, अते वीडियो नूं लाइक अते शेयर कर दवो, अते इक वधिया जिहा कमेंट करके जरूर दसो ये कहानी तुहानूं किस तरह दी लगी। तुहाडा कीमती समां देण लई बहुत बहुत धन्नवाद।